नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल यूट्यूब चैनल पर। मैं आवाड़ी दोस्तों, आज का जो वीडियो है थोड़ा सा अलग टाइप का होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो सिलाई मशीन है यहाँ पे एक मेनली उषा का सिंगल सिलाई मशीन है और ये लगभग 12 साल का पुराना है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, इसका जो प्लेटफॉर्म है वो चेंज करने वाला, वो इसका जो हालात है वो सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, प्लेटफॉर्म का जो इस साइड का पोर्शन है वो टोटली डैमेज हो गया है और प्लेटफॉर्म तोड़ के सिलाई मशीन अंदर चला गया है यहाँ पे। तो नीचे से अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा टूट गया है, इस वाला हिस्सा पूरा टूट गया है। तो जैसे कि आप लोग देखा, इसका जो प्लेटफॉर्म है इसका हालत बहुत ही ख़राब है। ये मेनली प्लाईवुड का बनाया हुआ है, तो आज इसको चेंज करने वालों। तो सबसे पहले इस बेल्ट को यहाँ से खोल लेते हैं और उसके बाद मशीन को प्लेटफॉर्म से अलग कर लेते हैं, बहुत ही आसान है ये। तो उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये जो बेल्ट है इसको काट कर देंगे यहाँ से। तो ये जो बेल्ट है मेनली कपड़ा से बनाया हुआ बेल्ट है। तो बेल को काट करने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल सेट है उसको उल्टा देंगे। तो नीचे की इस तरफ आपको चार स्क्रू दिखाई देगा जो आपको सबसे पहले खोल लेना है। तो ये चार स्क्रू खोलने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है इसका बॉडी से बहुत ही आसानी से अलग हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लेटफॉर्म के हालात देख सकते हैं, बहुत ही बुरा हालात है इसका, पूरा टूट गया ये। तो दोस्तों ये है न्यू प्लेटफॉर्म जो कि ख़रीदा है मैंने लोकल मार्केट से, और इसका प्राइस जो है वो है दोस्तों 450 रुपये। आप लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं और ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, आप प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल करने के लिए क्या होगा दोस्तों, फ्रेम के ऊपर प्लेटफॉर्म को कुछ इस तरह से बिठा देंगे। और यहाँ पे ध्यान में रखना है दोस्तों, प्लेटफॉर्म के ऊपर जो दो होल है वो हमेशा व्हील की तरफ होना चाहिए। तो वो वहाँ पर रखने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये जो मशीन है इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। ये मशीन सेट करना बहुत ही आसान है। तो एक बार मशीन सेट हो जाए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो बेल्ट है उसको दोबारा से यहाँ पे पहनाएंगे। तो बेल्ट यहाँ पे पहनाने के बाद क्या करेंगे, बेल्ट को सुई और सूता से सील देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बेल्ट हो गया कंप्लीट और उसके बाद इसको यहाँ पे पहना देंगे। तो यहाँ पे टोटली रेडी हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ये जो बेल्ट है इसको देखना है, ये जो दो होल है इसका सेंटर में रहना चाहिए, किसी भी तरह मशीन चलने के वक्त ये घिसना नहीं चाहिए इस प्लेटफॉर्म से। तो ये यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। तो ये सेट होने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, नीचे की तरफ जहाँ पर स्क्रू लगेंगे तो वहाँ पर कुछ स्क्रू ड्राइवर या फिर पेंसिल से वहाँ पर मार्क कर देंगे, चारों पॉइंट पर मार्क कर देंगे जहाँ पर स्क्रू लगेगा दोस्तों। उसके बाद दोबारा उस बेल्ट को खोल लेंगे और इस जो मशीन है मशीन को प्लेटफॉर्म से अलग कर लेंगे। आप मशीन को साइड करके प्लेटफॉर्म को नीचे कुछ इस तरह से रख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये वो चार पॉइंट है जहाँ पे स्क्रू लगेगा। तो उसके पहले एक चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये जो ड्रॉयर है ये दिखा देता हूँ दोस्तों। तो इस ड्रॉयर को भी यहाँ पर सेट करेंगे हम लोग। तो इसका जो प्राइस है दोस्तों वो है 35 रुपये इसका प्राइस है। तो इसका भी इसके साथ यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये अटैच करना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले ये है मेन ड्रॉयर और यहाँ पे ये जो दो चीज़ देख रहे हैं दोस्तों, ये स्लाइडिंग जो मटेरियल है वो यहाँ पे है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इस स्लाइडर को इस ड्रॉयर के साथ अटैच करके इसका पोजिशन जो है वो ठीक कर लेंगे, कहाँ पर इसको लगाना है। तो उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हर एक स्लाइडर पे तीन पॉइंट है जहाँ पे स्क्रू लगेगा, वो तीनों पॉइंट डिटेक्ट करेंगे। और उसके बाद उस तीनों पॉइंट पे क्या करेंगे, छोटा सा स्क्रू लेके छोटा सा छेद कर देंगे या फिर मार्क कर देंगे जहाँ पे स्क्रू जाएगा। दोनों तरफ मार्क हो जाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, जिस मार्किंग पोजिशन पर दूसरा किसी भी स्क्रू से वो छोटा छोटा होल कर देंगे ताकि वहाँ पर लगाने में आसानी हो। होल हो जाने के बाद दोनों तरफ के जो स्लाइडर है उसको यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की मदद से अटैच कर देंगे यहाँ पे। और दोस्तों उसके बाद ये जो ड्रॉयर है उसको यहाँ पे अटैच कर देंगे, बहुत ही आसान है अटैच करना। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉयर का सेटिंग पूरा रेडी हो गया है, ड्रॉयर लगाना कंप्लीट हो गया है। तो आप इस प्लेटफॉर्म को मेन जो बॉडी है उसके साथ अटैच कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये जो टोटल प्लेटफॉर्म है इसको उलट के इसके ऊपर रख देंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से, और ये जो चारों पॉइंट है चारों पॉइंट पर स्क्रू ड्राइवर दे के जो स्क्रू है उसको कस के इसको टाइट कर देंगे इसके साथ। तो यहाँ पे चारों लगाना कंप्लीट हो गया है, तो ये टोटली अटैच हो गया है इसके साथ। तो चलिए आप इसको सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो टोटली अटैच हो गया है बॉडी के साथ। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मशीन को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो ये हो गया अटैच,
उसके बाद ये जो बेल्ट है इसको दोबारा से यहाँ पे पहना देंगे। तो यहाँ पे जो मशीन है टोटली कंप्लीट हो गया है और वर्किंग पोजीशन पे मशीन आ गया है यहाँ पे। और दोस्तों इस साइड पे ये दिखा देता हूँ, ये ड्रॉयर खुलता है, यहाँ पे बंद होता है, ये ड्रॉयर यहाँ पे अटैच किया गया है। तो चलिए दोस्तों आप इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा चलता है। तो इसके लिए कोई भी कपड़ा ले लेंगे, यहाँ पे मेरा पुराना रुमाल है उसको ऊपर ट्राई करेंगे सिलने के लिए। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो देखिए यहाँ पे सिलाई बहुत ही बढ़िया हो रहा है, इसका सेटिंग भी बहुत ही अच्छा हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो इतना ही। तो आप लोगों को देखा ये सिलाई मशीन के जो प्लेटफॉर्म है वो घर पे लगाना बहुत ही आसान है, अगर आप चाहे तो आप घर पे लगा सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो आज की वीडियो इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।